और राजधानी देहरादून में लगातार रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में सड़कों के किनारे बेसहारा लोगों का एकमात्र सहारा नगर निगम है। इस मामले में नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि नगर निगम में इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। रैन बसेरे को लेकर नगर निगम पूरी तरीके से तैयार है, मुस्तैद है। सभी रैन बसेरों को अलाव जलाने के निर्देश कुछ समय पहले जारी कर दिए हैं। साथ ही बिजली, पानी, सफाई, शौचालय की व्यवस्था को सुधारा जाए, इसके लिए भी रैन बसेरे में पर्याप्त कर्मचारी लगाए गए हैं। सर्दियों के मौसम में विगत वर्षों की भांति हमारे नगर निगम के द्वारा रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार 4 रैन बसेरे संचालित होने प्रारंभ हो गए हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर, पटेल नगर, चूना भट्टा रायपुर मोड़ पर और चुक्कू मोहल्ला में रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। इसमें लोगों के रात्रि के ठहरने की व्यवस्था, उनकी बेडिंग, उनके लिए टॉयलेट्स, क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, उसकी सभी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है, और पूर्ण रूप से सैनिटेशन का, हाइजीन का, सफाई का वहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, और जैसे जैसे कोई फीडबैक प्राप्त होता है उसके अनुसार भी वहाँ पर लगातार डायनामिक रूप से कार्रवाई की जा रही है।